दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के दिन हम सभी देशवासियों के मूल अधिकारों, स्वतंत्र जीवन जीने, रोजगार, सुरक्षा देने वाले कानूनों को संविधान के रूप में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश बना था। आज का दिन संविधान निर्माताओं के साथ उन लाखों स्वतंत्र सेनानियों के महान प्रयासों और बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर हमें इस मुल्क को आज़ादी दिलाई और हमारे गणतंत्र का निर्माण किया। दुनिया के किसी भी देश के पास भारत जैसा संविधान नहीं, जो मानवता, व्यक्ति और विश्व कल्याण के लिए स्वकालिक प्रशासनिक संविधान की ये प्रस्तावना ही अपने आप में सब कुछ समेटे हुए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति का गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इत्यादि द्वारा इस संविधान को उनके ग्रंथ अधिनियम और आत्मा अर्पित करते हैं। आज का ये दिन संविधान के मूल्य में लोगों की आस्था का प्रतीक। हमारा प्रयास होना चाहिए संविधान के भावना के अनुरूप मुल्क चले और आगे बढ़े। आज हम देख रहे हैं इस देश के अंदर जो संविधान निर्माताओं की जो कल्पना थी, जो योगदान था, क्या उसके अनुरूप इस देश के अंदर हर चीज़ आगे बढ़ रही है। एक सोच, एक विचारधारा है, वो इस संविधान के संदर्भ के अंदर इसके बदलाव की सोच रखती है। क्या यह देश के लिए सही होगा? जब बेहतरीन संविधान हम लोगों को मिला हुआ है, पर वो सोच उस वक्त भी, आज़ादी के वक्त भी, कोई भी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त या दूसरे आंदोलन के वक्त भी देश के स्वतंत्र सेनानियों के साथ में नहीं खड़ी थी, उन अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। वही सोच, वही विचार, वही संगठन आज वापस इस संविधान के संदर्भ में वही सोच रखते हैं। ये हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मिला रहा है, पर आज देश के करोड़ों किसान आज दिल्ली के अंदर ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या ये संविधान के भावनाओं के अनुरूप है? संविधान के अंदर स्पष्ट उल्लेख है जो कृषि क्षेत्र के अंदर कोई भी कानून बनाना हो वो राज्य का अधिकार है। उस संविधान की जो भावना है, संविधान के अधिकारों के विपरीत जो देश के अंदर कार्य हो रहा, मेरा निवेदन है कि इसके बारे में हमको देश को जरूर सोचना चाहिए और एकजुट होकर इस संविधान की रक्षा हमको करना चाहिए। हमारे लिए 2020 का वर्ष बड़ा चुनौतीपूर्ण वर्ष है। कोरोना की जो महामारी और एक तरफ टिड्डी का जो प्रकोप रहा है, पूरा देश विशेषकर बाड़मेर जिले के अंदर ये दोनों ही चुनौती बनी हुई थी। पर मैं आज इस अवसर के ऊपर जो राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर कोरोना में जो कार्य किया गया और बाड़मेर में, मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, तमाम सरकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। मैं आज विशेष तौर के ऊपर कोरोना के संदर्भ के अंदर प्रत्येक व्यक्ति और संगठन जिन्होंने मदद की है, उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं बाड़मेर की अंदर जब जमीनी स्तर के ऊपर कोरोना के वक्त में गया तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका नजर आई वो बाड़मेर के अंदर और राजस्थान के अंदर जो ANM की और आशा सहयोगियों की भूमिका नजर आई। मैं आज इस अवसर पर उन तमाम ANM और आशा सहयोगियों को भी, मेरे
हृदय के अंतरात्मा से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ही देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कोरोना के अंदर एक ऐतिहासिक कार्य किया।